अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन 2024-25 अनाउंस हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी फीस के रिगार्डिंग, इसके पास पेपर के रिगार्डिंग, इसके टेस्ट पैटर्न के रिगार्डिंग, इसके एलिजिबिलिटी क्रिएट के रिगार्डिंग और भी मजीद मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो मेक श्योर वीडियो लाजमी दीजिएगा। उसके अलावा इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, इसकी जो एडमिशन अप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुकी है 1 अगस्त से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन कैंपस है डीवी में, जो कि 5 ईयर्स का प्रोग्राम है, उसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स जो कि 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर सोशल साइंस, फिर बीएस ऑनर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, उसके अलावा बीएस आईटी है, बीए एग्रीकल्चर है, बीएस पॉल्यूट्री साइंस है, बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी है, बीएस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीएस एनवायरमेंटल साइंस है, बीएस एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये सब मेन कैंपस में इनके ये डिपार्टमेंट है। उसके अलावा अगर हम एससीयू के जो अमरकोट कैंपस है उसकी अगर हम बात करें, तो उसमें बीएस एग्री ऑनर्स जो कि 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, बीएस आईटी जो कि 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन लाइव स्टॉक असिस्टेंट, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल फील्ड असिस्टेंट। उसके अलावा खैरपुर मीरज कैंपस की अगर हम बात करें, जिसे KCET कहा जाता है, तो उसमें बीए एग्रीकल्चर 4 ईयर्स प्रोग्राम, बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस एग्रीकल्चर ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएस ऑनर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 में दिए हैं, जिनके रिजल्ट अभी वेटिंग है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो फर्स्ट ईयर की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो उनकी फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं तो उसके तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ही शी फेल टू गेट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट विल डिस्क्वालीफाई। मतलब ये है कि अगर उनके इंटरमीडिएट की रिजल्ट आती है सेप्टेंबर मार्क में जब भी आए और उनकी 50% प्लस मार्क्स नहीं आती तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उनको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर करें कि इंटरमीडिएट में आपकी 50% मार्क्स होना लाजमी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप फर्स्ट ईयर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट जिनकी 2022 में या 2023 में इंटरमीडिएट उन्होंने कंप्लीट कर लिए विद 50% मार्क्स, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट बी एग्रीकल्चर में अप्लाई करना चाहते हैं खैरपुर मीरज या अमरकोट कैंपस में और स्पेशली बी एग्रीकल्चर में, तो उनके 60% मार्क्स होना लाजमी है इंटरमीडिएट, जिनका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग का है वो। उसके अलावा जिन्होंने डी डिप्लोमा किया जो कि 3 साल का प्रोग्राम होता है, वो तो वो बी एग्रीकल्चर एम बी एस एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मजीद आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इनकी सोशल मीडिया अकाउंट, व्हाट्सअप, आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, यहाँ से आप पूछ सकती हो। ठीक है, उसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम बात करें, तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन वो 30 अगस्त 2024 है। मे बी अगर इनकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो तो इस चैनल पर या व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू आपको बताया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इनकी 30 अगस्त 2024 लास्ट डेट है और प्री एंट्री टेस्ट जो हुआ 13 अक्टूबर 2024 है। उसके अलावा इनकी जो टेस्ट वेन्यू होंगे वो हैदराबाद, सखर, अमरकोट एंड कोयटा बलूचिस्तान इनके टेस्ट वेन्यू होंगे। बाकी इसके एडमिट कार्ड ये सब कुछ आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएंगे। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको A to Z अपडेट दी जाएगी। बाकी इसका आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इनको वेबसाइट पर जाइएगा, इनका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके रिकॉर्ड में जल्द से जल्द वीडियोज़ बना दूंगा आप। ठीक है, फीस के रिगार्डिंग, पास पेपर रिगार्डिंग, आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो, सब के रिगार्डिंग आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, सारे डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, सो आज को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना होता है, फिर इसका जो चालान होता है, ठीक है, वो आपको डाउनलोड करना होता है, 3,000 का होता है, जो आप किसी भी HPL बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो। बाकी यहाँ पर रिजर्व सीट पर अगर स्पोर्ट कोटा पे अप्लाई करना चाहते हो तो अलग से आपको 3,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेंगे किसी भी HPL बैंक में। अब रिजर्व सीट्स भी हैं सिंध प्रोविंस स्टूडेंट के लिए भी हैं और दूसरे प्रोविंस के स्टूडेंट उनके लिए भी रिजर्व सीट्स बहुत सारी हैं, तो वो जब फॉर्म अप्लाई करें तो वो रिजर्व सीट्स भी वहाँ से पहले से फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका अगर एडमिशन नहीं होता है और फिर आप चाहते हैं कि मुझे सेल्फ पे सीट चाहिए, तो पहले से फॉर्म को अंदर आपको फिल करना होता है कि मुझे सेल्फ पे भी चाहिए अगर मेरिट पे नहीं बनता। तो
तो ये था, ठीक है। उसके अलावा आपको साइलेंट फीचर ये क्या क्या आपको फैसिलिटी देंगे, तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको ये देते हैं, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और स्पेशल हॉस्टल भी हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि स्कॉलरशिप्स हैं या नहीं, वो भी हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं, हॉस्टल भी हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत। और इसके अलावा स्पेशल पैकेज है जो कि बहुत ही अच्छा ये पैकेज है, तो ये जो पैकेज है ये SCU कैंपस अमरकोट और खैरपुर कैंपस के लिए है। तो 100% फीस वेवियर फॉर गर्ल्स सीकिंग एडमिशन एट खैरपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। 100% फीस माफ़ है, जो कि एडमिशन फ़ी है वो माफ़ है 100% फॉर गर्ल्स के लिए, जो कि खैरपुर मेरिट कैंपस के लिए में, जो कि खैरपुर मेरिट कॉलेज में। उसके अलावा 50% फ़ी वेवियर फॉर गर्ल्स सीकिंग एडमिशन एट SCU कैंपस अमरकोट, और 50% फ़ी माफ़ है फॉर गर्ल्स के लिए अमरकोट कैंपस में, ठीक है। ये एडमिशन फ़ी की बात की है, ठीक है। बाकी 25% जो फ़ी है वेवियर फॉर और मैट्रिक्स नीडी स्टूडेंट, जो नीडी स्टूडेंट उनके लिए भी फ़ी माफ़ है, ठीक है, अमरकोट कैंपस में खैरपुर कैंपस के लिए। और 5% फ़ी वेवियर टू ऑल स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन एट SCU कैंपस अमरकोट एंड खैरपुर कैंपस ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल पैकेज है स्टूडेंट के लिए जो कि नीडी स्टूडेंट हैं, और स्पेशली ये कह रहे हैं कि रिकमेंड करें गर्ल्स को कि इसमें अप्लाई करें, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, सो मस्ट अप्लाई करें इसमें। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट करें, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी पूछ सकते हैं। बाकी अपकमिंग बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, तो मेक श्योर चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।